आज हम लोग IBPS RRB PU का नंबर सीरीज मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरा स्लोप मेथड अल्टीमेट है और उससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। जो मेरा स्लोप मेथड है वो ये है। बार बार मैं इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसे देख लीजिए, ये मिनिमम स्लोप है जिसमें समथिंग प्लस हो रहा होता है, टाइम्स नहीं। मीडियम स्लोप है जिसमें कॉन्स्टेंटली मल्टीपल होता है, इंटू 2 या इंटू 3 या इंटू 1.5 लाइक दैट। और मैक्सिमम स्लोप है जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, इंटू 1, 2, 3, 4, 5 या इंटू 2, 4, 6, 8 लाइक दैट, इंटू 1, 3, 5, 7, 9। और बीच का एक मीडियम स्लोप होता है जो ना कांस्टेंट है ना उतना फास्ट है, इंटू 0.5 इंटू 1.1 इंटू 1.5 इंटू 2 लाइक दैट। इसके अलावा दो सीरीज होते हैं अगले टाइप्स में। एक डबल सीरीज होता है जिसमें अल्टरनेटली रूल्स चलते हैं, और दूसरा डबल होने के साथ साथ अप्स डाउन्स भी होते हैं, कुछ कॉमन है कुछ डिफरेंट है। तो शुरू करें, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हाउ टू सॉल्व। तो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज से इसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है टाइम्स में, टाइम्स में, टाइम्स में। जरा देखिए, टाइम्स है इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया कि यही रूल है, इंटू 3 इंटू 2, यस 120 इज आंसर, देन इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, टाइम्स नहीं हो रहा तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मिनिमम स्लोप का मामला है, पूछते हैं कितने का डिफरेंस है। थोड़ा गौर कीजिए, ये 17 से 42 तक जाइए, लेस और सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। 200 छोड़ दीजिए, 20 पे खड़े हो जाइए, 22 3 25 यानी 125, यानी कि -125। कुछ कुछ इशारा मिल रहा है, इसको देखिए, 53 है ना, 47 200 तक पहुंचिए, 47 प्लस 7 54 10 64, यस -64। समझ में आ गया, रूल का पता चल गया, दिस इज -5 क्यूब, दिस इज -4 क्यूब, तो होना चाहिए -3 क्यूब, -2 क्यूब, देखिए -1 क्यूब, यानी कि -1, यानी कि 117 आंसर। पूरा हम क्यों निकालने जाए, जल्दी बताइए। हालांकि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए -27, चेक करके देखिए, सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड करके देखिए तो ज़्यादा आसान होगा, -8 सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड करके देखिए तो, क्लियर। बोलिए बताइए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। टाइम्स तो नहीं हो रहा, 154 का डबल तो नहीं है वो, इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, पूछते हैं क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर प्लस 14 है, देखने में लगता है डबल, 9 वहाँ नहीं है, ये कितना है प्लस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अक्सर दिक्कत होती है, 30 पर खड़े हो जाइए, 26 and 2 28, अरे 28 का डबल भी है, डबल डबल, लेकिन डबल डबल थोड़े चलेगा, ये तो मृग मरीचिका है। समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ नहीं देता तो पकड़ लेते। चलिए आगे देख लेते हैं, ये 4 छोड़ दीजिए, 15 से क्या है, देखिए ये 4 को छोड़ दे तो क्या होगा, 70। ये कौन सा रूल है भाई, 70 कैसे हो गया, कितना कितना ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा 70 मतलब टेबल है, समझ में आया, आई एक बात, देखिए देखिए देखिए, इसका मतलब ये है कि 14 into 1 14 into 2, और ये है 14 into 5, दैट मीन्स कि
14 into 3 and 14 into 4. बात आई समझ में? बताइए बताइए बताइए. यानी इसे होना चाहिए प्लस 42, यानी कि 98 इज आंसर. चेक भी कर लीजिए, 98 है प्लस 56, 2 इससे दीजिए. क्लियर? कितना सुंदर क्वेश्चन है बताइए. आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर. ये तो मैक्सिमम स्लोप का मामला है भाई. ये तय है कि ये वाला जो है इंटू फाइव है. अब इंटू फाइव के साथ क्या है, कौन कैलकुलेशन करने जाए? हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं है. 10 टाइम्स का हाफ 33, 15, 15 माइनस 6. ये तो लगता है रूल ही पकड़ में आ गया. रुकी रुकी रुकी, इंटू 6 है, इसे होना चाहिए इंटू 5 था, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2 और इंटू 1. इंटू 1 माइनस 2, एक ज्यादा है ना, देखिए वहां भी पकड़ में आ गया. इसके बाद इंटू 2, देखिए 60 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5. इसको आप कैसे करेंगे? इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं. देखिए 60 मान लीजिए तो 180 हुआ. 180 में 3 इंटू 3 9 एंड 4 13 लेस 167. जल्दी बताइए होगा कि नहीं. क्लियर? 167 इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर. 7 के बाद 78, ये तो बहुत बड़ा गैप है. और वहां पर लेकिन टाइम्स तो नहीं है, टाइम्स तो नहीं हो रहा है. आइए देखते हैं क्या है. प्लस 71 हमें लिखना चाहिए था इंटू 11, लेकिन इंटू 11 करेंगे तो यहां क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4, ये रूल नहीं हो सकता. डिफरेंस देखिए, शायद डिफरेंस में ही कुछ छुपा हो. 61 लगता है कुछ कुछ लगता है. यहां पर देखिए प्लस 31. यस अल्टरनेटली प्लस माइनस है, यानी कि प्लस 51 माइनस 41 प्लस 31. क्या जबरदस्त रूल है बताइए. यानी यहां पर क्या होना चाहिए, ये ऐड होगा प्लस 51 और प्लस 17 68. ये पहला सेट था. इसके बाद चलते हैं दूसरे सेट. ये भी मिसिंग नंबर सीरीज है, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज भी आज करेंगे. देखिए ये मल्टीपल नहीं हो रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो पूछते हैं कितना है. 100 पे खड़े हो जी, 19 हुआ ना, माइनस 19 मतलब पता नहीं. ये माइनस 18, अच्छा ये माइनस, जरा गौर कीजिए कि आखिर क्या है, वो क्या रहा है. माइनस 16 ये कौन सा रूल है? अच्छा ये माइनस 1 न्यूमेरिकली, माइनस 2 देखिए इस दोनों में माइनस 2, इसका मतलब इस दोनों में माइनस 3 होना चाहिए. यानी माइनस देखिए 3 माइनस 13, जल्दी बताइए माइनस 13 यानी ये होना चाहिए देखिए 51. चेक कर लें तो माइनस 4 मतलब माइनस 9. देखिए यस माइनस 9 सही है. ये भी जबरदस्त क्वेश्चन.
अगला सवाल देखिए क्या है, यहां पर लेस हुआ, फिर आगे लेस नहीं हुआ, डेसिमल भी है, मैंने बार बार बताया है कि ये एवरेज स्लोप का मामला है, एवरेज स्लोप का मामला है, यानी कि इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5, यस यस, 3 + 1 + 1 7.5 हुआ ना, +1 इंटू 2 + 1 मतलब 18, चेक भी कर लेते हैं, इंटू 2.5 + 1 9:45, यस यस, ये बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल गौर कीजिए, टाइम्स तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ होगा, +9 ये कितना है, 9 माने क्या होता है, 3² 2³ + 1 भी होता है, 25 से 25 50 3 28, यस, +28 पकड़ में आ गया, 3³ + 1 एंड 2³ + 1 आगे चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4³ + 1 है, क्या 65 है, यानी कि ये 5³ + 1 और ये 6³ + 1 यानी कि 217, जल्दी बताइए, यानी कि 461 होगा, बीच वाला लिखते नहीं है, चाहे लिख दें जैसी मर्जी, 126 चेक कर लीजिए, सही है, यस यस यस, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल, टाइम्स तो नहीं हो रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, जो भी है गौर कीजिए, ये क्या हो रहा है, +3, ये क्या हो रहा है, -6, अच्छा ये क्या हो रहा है, गौर कीजिए, 12 + 12 डबल हो रहा है ना, इंटू टू और अल्टरनेट साइन के साथ, यानी कि इंटू टू -24, जल्दी बताइए, उसके बाद फिर इंटू टू +48 ये होना चाहिए, -24 यानी कि 131 और +48 देखिए सही है ना, बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल। और ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जरा गौर कीजिए ये क्या है, इतना बड़ा 2003 ऐसे कैसे आएगा, सोचिए इसको 70 मान लीजिए, करीब 5 times लग रहा है, तो 6 times लग रहा है, यस, एक बात तय है, ये इंटू 6 है, सोचेंगे बाद में इंटू 5 है कि उसके साथ क्या है, इंटू 4 है, इंटू 3 है और ये इंटू 2 है, अब यहीं पर क्वेश्चन मार्क है तो मालूम नहीं, -1 यहां से चेक हुआ, 10 times कितना होता है, 670 तो 335 यानी -1, रूल इज कंफर्म, देखिए 6 × 4 = 24 -1 4 − 1 = 3 कंफर्म, यानी कहने का मतलब हर जगह -1, एक सुंदर क्वेश्चन, 7 में 1 लेस कीजिए, 6 आंसर। तो ये दूसरा सेट था, ये कंप्लीट हुआ, अब आइए हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज पर चलते हैं, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, जिस पर विश्वास करें वही दगा दी जाए,
पर जब तक अविश्वास का कारण ना हो तब तक तो विश्वास करें। ये स्लोगन है जो फिट बैठता है। जरा गौर कीजिए, क्या है, क्या है? इतने डेसिमल्स नजर आ रहे हैं, जरूर कोई बात है। टाइम्स का मामला है, रिड्यूसिंग लग रहा है। देखिए देखिए देखिए, इन टू थ्री, जब लग गया कि टाइम्स का मामला है, रिड्यूसिंग लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग सोचने लगे। तो दिख गया, यस यस यस, दिस इज द रूल। फोर नंबर से थ्री रिजल्ट्स फॉर्म होते हैं और थ्री रिजल्ट्स से रूल बनते हैं। इनटू 1.5, यहां तक तो सही है, तो ये होना चाहिए इनटू 1, दिस मस्ट बी 45, और ये इनटू 0.5। सुंदर क्वेश्चन, जरा गौर कीजिए, दिस इज रॉन्ग। 43.5 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मामला टाइम्स का नहीं है, डिफरेंस का है, तो देखते हैं डिफरेंस का क्या है। देखिए, अगर ये 961 होता, 11 हटा दीजिए, 11 बाद में घटाएंगे इधर से, ठीक है, 650 का मतलब 300, 11 हटा दीजिए 289, तो -289, ये तो बड़ा अच्छा नंबर आ रहा है। क्या ये -17 स्क्वायर है? सोचते हैं, अभी नहीं मालूम। लेस ही करने में दिक्कत होती है, 400 से 600 तो 200 है, इस 36 से कितना है? 40 के पास खड़े होते हैं, 40, 21 एंड 4, 25, यस 225, यस -225, यानी -15 स्क्वायर। अब तो लेकिन क्या मालूम, कहीं ये नंबर ही रॉन्ग हो जाए और सारी इमारत जो हमने बनाई वही धराशाही हो जाए। अच्छा सोचते हैं, 17, 15, क्या 13 स्क्वायर है? क्या -169 है? देखिए तो नहीं है, पता नहीं। अच्छा थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर ये 13 है तो यहाँ 11 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 9 स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर 7 स्क्वायर होना चाहिए। जल्दी बताइए, 7 स्क्वायर मतलब 49 होना चाहिए, तो यस सही है, ये सही है, तो ये रॉन्ग है, नहीं निकालेंगे। तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, यहां तक सही था ना, नहीं निकालेंगे, जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अगर वो रूल कंफर्म हो गया, इसका मतलब है कि जो पहली बार नहीं आया वही रॉन्ग है। रॉन्ग नंबर क्या हुआ? हम लोग लिखते भी नहीं है कि सही नंबर क्या है, रॉन्ग हो गया, बस बात खत्म, क्यों लिखने जाए? 269 इज रॉन्ग, जल्दी बताइए। लेकिन ये तो क्लास है, समझना है, इसीलिए देखना भी है। आई ये रॉन्ग है, ये -169 होना चाहिए, यानी कि प्लस होना चाहिए, ये 267 होना चाहिए था, ठीक है ना? और तब जब हम -121 करते, देखिए तो आ जाता -81। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद इतने सारे डेसिमल्स, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सब में डेसिमल है तो टाइम्स नहीं होगा, तब फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। चलिए, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा करते हैं, 6 से 5 ज्यादा, 5 से 0.3 ज्यादा, तो प्लस 5.3, ये तो आसान है। 12 पर खड़े हो जाते हैं, 10.4, अब 2.2, 10.6, कोई भी रॉन्ग हो सकता है भाई, लेकिन जब तक अविश्वास का कारण ना हो तब तक विश्वास कीजिए। ये डबल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको चेक करते हैं, 22.4 है,
अगर 38.4 मान लें तो ये क्या होगा, 16 होता ना तो 15.9। जरा गौर कीजिए, अरे वाह क्या हो रहा, देख रहे हैं +5.3। या आप ऐसा बोलिए कि 5.3 × 1, 5.3 × 2, 5.3 × 3 रूल कंफर्म हो चुका है। अब हम लिखेंगे 5.3 × 4, इसका मतलब क्या, इसका डबल 21, देखिए 0.2, और चेक करते हैं आता है कि नहीं, देखिए आ रहा है ना, सही है। और यहां होना चाहिए 5.3 × 5। आप तरह तरह से कर सकते हैं, आप 10 टाइम्स करके 26.5 ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 86 होना चाहिए, है ना, 86 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग नंबर क्या हुआ, जल्दी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब छोटे छोटे नंबर आते हैं ना तो डरना चाहिए, पता नहीं इसमें कौन सा रूल हो, +1, +2, +5, +14, ये कौन सा रूल हुआ, (2, -1) इतना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, समथिंग स्पेशल, कोई भी रॉन्ग हो सकता है, यहां पर ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। डिफरेंस लेने से कोई फायदा नहीं होता, 70 के आसपास लेने से 116, 17, नो। अच्छा ये बताइए, ये अगर (3) करें तो क्या होगा, अगर ये (3) करें तो क्या होगा, 70 अगर हो 210 हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन (3) तो लग रहा है -4, कोई भी रॉन्ग हो सकता है ना, दिक्कत है जिसको चेक कर रहे हैं वही रॉन्ग हो, क्या जाने, (2, 3) 12, -3, (3) क्या गजब का क्वेश्चन है जी, क्या गजब का क्वेश्चन है, सच बात है, जिस पर हमने विश्वास किया उसी ने दगा दिया, उसी ने दगा दिया, (3, -5) गजब का अविश्वासी निकला भाई, देखिए देखिए दिमाग ही घुमा दिया, इसको 64 होना चाहिए ना, और तब -6 होगा, 180, 12, 6, 6, 186, गजब का क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर क्या हुआ, 69, ठीक है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो डिफरेंस का मामला है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, टाइम्स नहीं है, तो देखते हैं क्या है, यहां पर क्या है जरा बताइए, -11, पता नहीं कोई भी रॉन्ग हो सकता है, इसको जरा देखिए क्या है, 23, ये कौन सा हुआ, जरा गौर कीजिए, 23, ये -23 का क्या मतलब है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है, हो सकता है इसी में कोई रॉन्ग हो,
आइए एक बार और देखते हैं, 181 है, 19, 20, 35, माइनस 35, कहीं इसी में कोई रॉन्ग हो जाए, कौन जानता है। अच्छा थोड़ा गौर कीजिए कि क्या है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, प्लस 12 न्यूमेरिकली, प्लस 12, हो सकता है कोई भी नंबर रॉन्ग हो और सब रूल ही खत्म हो जाए, पता नहीं। 40 पर खड़े होइए, 41 एंड 4, 45, माइनस 45, अब तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। इधर आइए, इधर क्या है, माइनस 71, 71 किस हिसाब से होगा, 12 कर करके 12, 25, 60 और 11, 71, यस सही है, यानी इसको होना चाहिए 12 लेस। देखिए यहां से पता चलता है 11 ऐड होता है प्लस 12, 12 प्लस 11, 12 इंटू 2, 24 प्लस 11, 12 इंटू 3, 36 प्लस 11, इसको 47 होना चाहिए था, माइनस 47 होना चाहिए था। यहां पर प्लस 12 है, यहां भी प्लस 12 होना चाहिए, तो 12 जब आप करेंगे तो ये माइनस, देखिए माइनस 59 होना चाहिए, ताकि ये फिर प्लस 12 हो, और फिर यहां पर प्लस 12, क्लियर। तो जब 47 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 134, और 134 और 59 को लेस करेंगे या इसको ऐड करेंगे तो, क्लियर, यानी यहाँ पर माइनस 59 हुआ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रॉन्ग चूंकि रॉन्ग है इसीलिए ऐसे, ठीक है, क्लियर, समझ गए, रॉन्ग नंबर इक्वल्स 136। बोलिए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।